वो ऐसा रहा है कि हर जगह इंसान को ये बताया जा रहा है कि इंसान को खुशी सिर्फ इसी में हासिल हो सकती है जब अपने इस फ्रीडम के और आज़ादी को जो है इंजॉय करे। और आज़ादी को इंजॉय करने के क्या तरीके बताए जा रहे हैं कि आप अच्छा खाओ, अच्छा पहनो और आखिर में जो है आप सेक्स के पीछे। अगला सवाल मेरा मुफ्ती साहब से है, क्या ये जो मसाइल इस वास्ते से पैदा हो रहे हैं इसमें बेपर्दगी वाला जो माहौल है उसका भी कोई अमल दखल है? इस मामले में बेपर्दगी तो है ही, बेहयाई का बहुत बड़ा रोल है। और जिस माशरे के अंदर से हया खत्म हो जाए उसके अंदर ऑटोमेटिकली ये तमाम चीजें, ये तमाम बुराइयां आ ही आने वाली। अगर आप चाहते हो कि सच में इन बुराइयों से पाक रहने तो हमको पाकी को उस लेवल पे इख्तियार करना पड़ेगा। मतलब जैसे मौलाना ने उसको बहुत अच्छे लतीफ अंदाज बात की तरफ इशारा किया कि बापर्दा होना और बा हया होने में बहुत बड़ा फर्क है। खुदा हर जगह हाजिर होगा ये एहसास उनके अंदर पैदा हो तो वो तारीकी के अंदर भी जहाँ कोई इंसान ना देखता हो वो उस बुराई से क्या हो सकता है, बच सकता है। हदीस मुबारक में ये भी है, मन सतर मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा, जो किसी मुसलमान की सतर पोशी करता है अल्लाह क़यामत के दिन उसकी सतर पोशी करेगा।